नमस्कार, मैं ऐश्वर्या विनोद थेले कोल्हार से हूँ और आज आपके सामने देश के हिस्से पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। हम बचपन से कहते आए हैं मेरा भारत महान, हम वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाते हैं, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि ये देश होता क्या है या फिर देश किसे कहते हैं। तो आप सब मुझे कहेंगे कि देश एक निश्चित भूभाग है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर संविधान होता है उसे देश कहते हैं। मगर मेरे लिए देश का अर्थ ही कुछ और है। मेरे लिए देश बस एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, या फिर मेरे लिए देश सीमाओं से, नदियों से, पर्वतों से नहीं बनता। मेरे लिए देश बनता है वहाँ के लोगों से, उनके आपस के प्यार से, उनके भाईचारे से। अगर मुझसे पूछा जाए तो देश एक मानवीय शरीर के भांति है, जिसका एक अंग अगर विकास है तो दूसरा अंग किसान है, जिसका एक हिस्सा अगर युवा शक्ति है तो दूसरा हिस्सा उसी का अनुभव है। एक राष्ट्र किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं बनता, एक राष्ट्र बनता है वहाँ की जनता से, उसकी प्राकृतिक संपदा से, एक राष्ट्र बनता है उसी की विचारधारा से। हम अपने जान की दुश्मन को अपने जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई ना दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। चाइना और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोका जैसे राजा हुआ करते थे, जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। और मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कैसे देश की नागरिक हूँ जहाँ एक सैनिक की विधवा अपने पति को कंधा देती है, जहाँ रानी हाड़ी अपना शीश काटकर थाली में रख देती है, जहाँ सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली दे जाता है, जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। हमारे देश के संस्कृति की बात करें तो हमारे देश अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ दो कदम पर भाषा बदल जाती है तो चार कदम पर मजहब बदल जाता है। मगर फिर भी दुख होता है ये कहते हुए कि इतनी अनोखी संस्कृति होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से जातियों के नाम पर लड़ते हैं। हमने जानवरों का, रंगों का तक बंटवारा कर दिया है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। ये झाड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये झाड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हम ये भूलते जा रहे हैं कि जिस देश को आज़ादी पाने के लिए हमने अंग्रेज़ों से लड़ा है, जिस एकता से लड़ा है, वो एकता आज कहीं ना कहीं खो सी गई है। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी आपको कि एक बार एक क्लास में टीचर आया और उसने अपने बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान का नक्शा फाड़कर थमा दिया और उनसे कहा कि जो भी लड़का ये सबसे पहले जोड़कर दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो एक लड़के ने बस 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। तो टीचर भी प्रसन्न होकर बोले कि तुमने ये कैसे किया। तो वो लड़का बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस हिंदुस्तान के नक्शे को पलटा, उसके पीछे आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता गया, देश तो अपने आप बन गया। बस यही कहना चाहूँगी इस 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से कि हमारी असली ताकत है हमारी एकता, और हमारा देश का सही अर्थ है हमारी एकता। अगर हम एक साथ रहेंगे तभी हम हमारे देश पर आने वाली सभी मुसीबतों से लड़ सकते हैं। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। अगर होगा हौसला सबका बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। धन्यवाद।